मार्बल की तरफ से न्यू वेब सीरीज आई है जिसका नाम है एको और यह मार्बल स्पॉटलाइट का हिस्सा है। मार्बल स्पॉटलाइट यानी कि इस सेक्शन में जो भी सीरीज बन रही है वे किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर की कहानी को रिप्रेजेंट करती है जहां कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी शोकेस की जाती है और जो मार्बल की बाकी फिल्म या सीरीज से थोड़ा डार्कर साइड में होती है और जो एको सीरीज आया है वो बाकी मार्बल स्टोरी से डार्कर साइड में है एंड इवन 15+ के रेटिंग के साथ रिलीज हुआ है। तो यह शो कैसा है आइए हम बात करते हैं और पसंद आए ये रिव्यू तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक शो जिसके 5 एपिसोड टोटल देखने को मिलेगा और एपिसोड लेंथ आपको 35 से 48 मिनट के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। एको यानी कि माया की जो स्टोरी देखने को मिलेगा इसमें और किंग पिंग के साथ में क्या रिश्ता था और साथ में किंग पिंग और माया की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है इसमें और वे माया अपनी सिस्टर से कैसे कनेक्ट कर पाती है और साथ में उसके पूर्वज की स्टोरी भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। जो 5 जनरेशन पहले की स्टोरी दिखाई गई है जो कि पहले ही स्टार्टिंग में दिखाया गया है और यह एंडिंग में पूरे अच्छे से भी कनेक्ट करता है। इवन अगर हर एपिसोड आप नाम उनके देखेंगे तो सारे माया के सिस्टर के ही नाम देखने को मिलते हैं और लास्ट एपिसोड का नाम खुद माया है। मार्बल यानी कि यह दिखाना चाहता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पावर माया के सिस्टर के पास थी वो अब माया के थ्रू आगे बढ़ेगी। और भाई लोग डेयरडेविल का अच्छा खासा फाइट सीन होने वाला था सुनने में आया था, छोटी सी झलक दिखाकर हमारे साथ स्कैम कर दिया गया है और स्टार्टिंग में जो फाइट सीन है बस वही आपको देखने को मिलता है। इवन होकाई का भी एक झलक देखने को मिलता है जिसके लिए आप होकाई सीरीज देखना पड़ेगा समझने के लिए। सभी एक्टर्स ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, खासकर किंग पिंग का कैरेक्टर काफी जबरदस्त एक्ट किया है जहां अपनों को ही मार कर सकता है और जहां अपनों को ही मार सकता है। और कैमरा वीएफएक्स ग्राफिक्स की बात करें तो ओवरऑल एकदम ठीक ही है और काफी कमियों की भी बात कर लेते हैं और बाकी कमियों की बात करें तो इसमें आपको साइन लैंग्वेज आपको एक इशू आ सकता है देखने के लिए क्योंकि ओवरऑल जितने सबको समझ में नहीं आएगा एंड थोड़ा इशू आ सकता है। अगर सबटाइटल उस टाइम में आप लगा कर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, मुझे भी ये इशू आया था इसलिए मैंने सबटाइटल मैंने रीड किया तो थोड़ा समझ में आ रहा था, इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा सबटाइटल के साथ में आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। एंड इवन 16+ के अंडर आता है तो ये फैमिली के साथ ना देखे एंड दोस्तों वगैरह के साथ में देख सकते हैं तो आप इजीली दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस शो को। एंड वन टाइम वॉच शो है, आराम से देख के बिंज वॉच कर सकते हैं, 5 एपिसोड है। एंड मुझे रेट करना हो तो इसको मैं 3 रेट करूंगा इनमें 5 में से एंड ये अच्छा रहेगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।